गीत छंदों की शाम लिख जाऊं, जिंदगानी तमाम लिख जाऊं, हो अगर आपकी इजाजत तो आपके नाम और क्या प्रक्रिया हासिल करना चाहिए। देखिए मैं दो तीन कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुन लेंगे, ताली वाली बजा देंगे तो ठीक है, वरना आठ दस कविताएं और सुनाऊंगा। चार पंक्तियां हासिल करती है, कभी धरती महकती है कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह कर महकता है, कभी तो ही कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी कभी तो ही कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, अच्छा है वाह, भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, यदि तुमको ना हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, लकीरें खींच देता है, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में पूजनते रमनते तथ्य देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं, और आज मंच पर हम दो कवित्रियां हैं और सभी कवि हैं, विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो हम दोनों अकेले कर रही हैं, इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दो बहनों का आगमन हुआ है, मैंने अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि ये दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं, लेकिन आप सभी पुरुष याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे समर्थन दीजिएगा। चार पंक्तियां मेरी बहनों को समर्पित करती हूं। स्वागत है। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, वाह, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई, बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ आई। मैं बहुत से पुरुषों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि किसी क्या चाहती हुई वो कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको चार पंक्तियों में बताती हूँ
कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। बंगली के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगली के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी लड़ लूंगी, झगड़ लूंगी, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार। मैं अपने जीवन की सबसे खूबसूरत चार पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूँ, सौंपना चाहती हूँ और आपका भरपूर आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, चार पंक्तियां सौंपती हूँ। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो, मंदिर तो आज कल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आज कल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी। अग्नि यहाँ पर क्या खूबसूरत काव्य पाठ कर रहे थे, इन्होंने सैनिकों के बलिदान का यहाँ जिक्र किया, लेकिन उस बलिदान के पीछे एक और बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा बलिदान होता है, उसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस ना